जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको हेयर फॉल के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो आज हम उनके लिए हेयर फॉल, फंगल इन्फेक्शन और बालों को दोबारा से मजबूत कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, जैसे कि गर्मियां शुरू हो गई हैं और आप में से कई लोगों का हेयर फॉल बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण मॉइस्चर होता है। हमारे बालों में इतना ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है कि वो हमारे बालों को कमज़ोर कर देता है। अगर हम किसी तरीके से उस मॉइस्चर को अपने बालों से थोड़ा सा बचा के रखें तो हमारे बालों में ना ही फंगल इन्फेक्शन होगा, ना ही हमारे बाल कमज़ोर होंगे, ना ही हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो हम उसे कैसे ठीक करें? दोस्तों, इसको ठीक करने के कुछ तरीके हैं, आप इनको फॉलो कीजिए और आपको कुछ ही समय में रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपको कैस्टर्ड ऑयल लेना है। दूसरा, आपको विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें अगर हम अपने बालों में लगाते हैं तो हमें बहुत ही जल्द रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है, मगर ये दोनों चीज़ें काफ़ी ही थिक होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इनको लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, लगने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो नारियल का तेल मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, अपने सर की जड़ों पर बहुत ही अच्छे से लगाना है। इससे आपके बाल टूटना कम हो जाएंगे, आपके बालों में अगर किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, बालों में दोबारा से जान आ जाएगी। आपको पूरी रात इसको लगा के रखना है और सुबह कोई भी एक हल्का शैम्पू, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो या फिर ज़्यादा केमिकल वाला ना हो, उससे आपको इसे वॉश करना है। आप कोई भी एक हर्बल शैम्पू यूज़ कर लेना जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, उस हर्बल शैम्पू से आपको अपने बालों को साफ़ करना है। लेकिन बालों को वॉश करने से एक घंटे पहले हमें एक चीज़ और करनी है जो कि इस पूरी चीज़ों को थोड़ा और अच्छा कर देती है, वो है हमें प्याज का रस निकालना है। हम चाहे तो मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं या फिर कैसे भी करके प्याज का हमें रस निकालना है। एक बार जब हम प्याज का रस निकाल लेते हैं ठीक नहाने से एक घंटा पहले, क्योंकि पूरी रात हमने वो तेल अपने बालों में लगा रखा है, उसके बाद हम थोड़ा सा प्याज का रस अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे, जिससे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जड़ों में लगाने के बाद आप देखेंगे एक घंटे के अंदर अंदर वो प्याज का रस अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी शैम्पू से जो कि लाइट हो अपने बालों को साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर औरतें एक चीज़ गलत करती हैं, वो हैं जब वो बालों को धोते हैं उसके बाद बाथरूम से बाहर आते हुए वो अपने बालों के आसपास एक टॉवल लपेट लेते हैं। उसकी वजह से वो जो मॉइस्चर होता है वो हमारे सर के अंदर ही रह जाता है। हमें कभी भी टॉवल बालों को अच्छी तरह ड्राई करने से पहले सर पे नहीं लपेट के रखना चाहिए। हमने बाहर देखा है जितनी भी हीरोइंस बाथरूम से बाहर निकलती हैं वो अपने सर पे एक टॉवल बांध के लाते हैं। दोस्तों, आपने ये तो देखा कि उनके सर पे टॉवल है, लेकिन ये नहीं पता आपको कि वो ड्राई है या वेट है। वो बाल पोंछने के लिए एक अलग टॉवल यूज़ करते हैं और उसके बाद लपेटने के लिए एक अलग टॉवल यूज़ करते हैं, जिससे अगर फिर भी उनके बालों में कोई मॉइस्चर होता है वो दूसरा टॉवल सोख ले। लेकिन हम लोग वही एक टॉवल से अपने आप को भी पोंछते हैं, उसी एक टॉवल से अपने बालों को भी पोंछते हैं और उसी एक टॉवल को अपने बालों में लपेट के बाहर आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे बालों में मॉइस्चर कम नहीं होता और
प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। या तो आप टॉवल चेंज करें, दूसरा आप टॉवल अगर लपेटते भी हैं तो कोशिश करें अपने बालों का नीचे का हिस्सा खुला रखें, जिससे अगर कुछ मॉइस्चर हो तो वो नीचे से निकल जाए। वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा कि हर बार नहाने के बाद जब भी आप अपने बाल सुलझाते हैं, एक बालों का गुच्छा आपके बालों में से टूट जाता है। तो इन टिप्स को फॉलो करें और अपने बालों को हेल्दी रखें, उनको टूटने से बचाएं, उनको किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन ना होने दें और उनको हमेशा ठीक रखें। दोस्तों एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ, ये तेल आप रात को ही लगाएं। दोस्तों इन तेलों को आपको रात को ही लगाना है, इसके पीछे भी एक कारण है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारे बालों में या हमारे पूरे बॉडी पे एक मॉइस्चर आ जाता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं उस समय, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई ऐसी हलचल नहीं हो रही या फिर कोई ऐसी हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वो मॉइस्चर काफ़ी कम प्रोड्यूस होता है। क्योंकि मॉइस्चर उस समय कम प्रोड्यूस हो रहा है और उस समय हम ये तेल लगाते हैं तो वो हमको ज़्यादा असर करता है। और बोला भी जाता है कि अगर आप चीज़ को दिन में करेंगे तो असर होगा, अगर आप उस चीज़ को रात को करते हैं तो बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आप हर दूसरे दिन इस टिप को फॉलो करें, इसे कम से कम एक महीना करके देखें, आपके बालों में दोबारा से जान काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ जाएगी। हाँ, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप पहले अपने डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बाद आप इस टिप को आजमाएं। और बालों में डैंड्रफ को कैसे हटाना है इसके ऊपर भी हमने वीडियो दी हुई है। एक लास्ट टिप दोस्तों, आपको महीने में एक बार अपने बाल एंड से थोड़े थोड़े से ट्रिम ज़रूर करने हैं, क्योंकि हमारे बाल जो डेड होने स्टार्ट होते हैं वो ज़्यादातर नीचे से होते हैं। तो अगर हम मंथ में एक बार बालों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करवा लेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों।